इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने अच्छा सर्दियों में जैसे जैकेट वगैरह पहनते हैं तो उसकी चेन नहीं लगाते या कोट वगैरह भी पहनते हैं तो उसके बटन नहीं लगाते, तो ऐसी ही सूरत में अगर किसी ने नमाज़ पढ़ ली कि उसके दोनों पल्ले खुले हुए हैं जैकेट के या कोट के, तो इस तरह से उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? तो अगर किसी के ये पहने जाने वाला जो कपड़ा होता है ना पहन, जिसको रुफे आम में पहनना कहते हैं, अगर उसको पहन ही लिया गया हो तो फिर उसमें नमाज में कराहत नहीं होती, यानी मकरूह तहरीमी होने वाली कराहत नहीं होती। तो सदल भी उस सूरत में होता है कि जब पहने जाने वाले कपड़े को बेपहने किसी ने, यानी बिना पहने किसी ने और अपने जिस्म पे डाल लिया, इसी तरह लटका लिया, तो उस लटकने को कहते हैं सदल के जो हुक्म में है कि जिसमें नमाज मकरूह तहरीमी होती है, जिसको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फ़तह व रज़वी शरीफ में नकल किया। तो ये सूरत जो आपने बयान की कि किसी ने जैकेट पहनी चैन खुली रखी, तो किसी का जैकेट के पहनने में दोनों हाथों का डाल लेना आस्तीनों में और उसको कंधे पे टांग लेना और उसमें उसको पहनना ही शुमार किया जाता है, और ये खिलाफ मुआशरा भी नहीं है बिल्कुल। तो इसी तरह इसको पहना भी जाता है। इसी सूरत में नमाज भी अगर कोई पढ़ लेगा जैकेट की चेन खुली या कोट के आगे के बटन खुले में या ब्लेज़र वगैरह जो चलता है कि उसमें आगे के बटन नहीं लगाते, तो इसी सूरत में नमाज पढ़ेगा, नमाज हो जाएगी। ये लटकना जो पल्लों का रुकू में लटकेंगे ये वो लटकना नहीं है जिससे नमाज मकरूह तहरीमी हो, तो इस तरह नमाज़ पढ़ सकते हैं। और लगा भी लेगा तो कोई हरज नहीं है, नमाज़ में अगर लगा ले एहतियात कर ले तो ठीक है, और बिना लगाए भी नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज उसकी दुरुस्त है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार